आखिर जिया ने रानो के सामने बाजी मार ही ली। सोने की शौकीन है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। इसे मैंने संभाल कर अपने पास रखा था ताकि चाहकर भी कोई इस पर बुरी नजर डालने की हिम्मत न करे। जिस घर पर तुम्हारा ब्याह होगा उस घर में तुम आके ही मिल जाएगी। साध्वी के सामने उसने कुछ ऐसा ड्रामा किया कि इस ड्रामे के कारण उसकी होने वाली सासू माँ एकदम पिघल गई। उसे आधा तो यकीन हो गया कि अर्जुन के लिए जाह्नवी परफेक्ट धर्म पत्नी बन सकती है। अब देखिए ना, ये साध्वी माता यहाँ पर एक सौगात देकर गई थी। संभाल कर रखने के लिए ये सौगात है सोने का शेर, जिसे रानो ने बदल दिया था। साध्वी ने नकली शेर की पहचान कर ली। फिर क्या था, रानो को लगा कि अब असली क्लास ली जाएगी जिया की, लेकिन जिया भी तो सयानी है। रानो के साथ रहते रहते उसने भी पैतरा अपना ही लिया, असली सोने के शेर को गायब कर दिया। और ड्रामा खत्म होने के बाद जरा देखिए असली शेर को वो ले आई। साध्वी खुश हुई और अच्छी अच्छी बातें बोली। अपने चतुराई से आने वाले मुसीबत को रोक लिया है ना? आगे बढ़िए मेरी तरफ। जिस घर पर तुम्हारा ब्याह होगा उस घर में तुम भाग नहीं मिल जाएगी। ये बातें इस सासू माँ के दिल में घर कर गई। तो वो अपना सा सीरियल में ये ड्रामा कुछ ऐसे खत्म हुआ। अब आगे आगे और भी दिलचस्प ड्रामे आपको देखने मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।